धरती बैरागिन बन ब्रह्मा के पास वेदों को अग्नि में जलाने लगा, शास्त्रों को खोज खोज के फाड़ने लगा, धरती मैया बैरागिन बन के ब्रह्मा के सामने रोने लगी। इधर परेशानी से पांच लड़कियां दही बेच बेकू चली। भक्तों जो मथुरा में घुसी कंस 18 गुंडन को लाइन बाई गली में खड़ो, लड़कियों को देख के बोला, हे कहां से आई हो, कहां जा रही हो? आगे वाली दोनों लड़की बोली, कुमार साहब आपने हमें पहचान नहीं पाया, हम तो रोज ही बरसाने से दही बेचने को आती हूं, तुम बरसाने की हो? हाँ। हमें जानती हो मैं कौन हूं? कहने लगी, हाँ आ महाराज उग्रसेन के युवराज कंस। कंस कहने लगे, एक बात बताओ, तुम पांचों में से कौन कौन की शादी हो गई, कौन कौन कुआरी हो? आगे वाली दोनों लड़की बोली, कुमार साहब इन तीन की शादी हो गई, हम दोनों की शादी नहीं हुई। जसाल बात चल रही है, मेरे भाइयों कंस बोला, ये तीनों लड़कियां कहां पे आई? जवाब दिया गोकुल में। कंस बोला, क्या मथुरा के लड़के मर गए जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें गोकुल में किया? 18 गुणों को इशारा दिया, इन तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांध दो और तब तक चमड़े का हंटर बरसा, शरीर पे कपड़े का धागा नहीं रहना चाहिए। इनकी आवाजें बंद हो जानी चाहिए। इधर ये अध्ययन यादव जी 501 की मुद्रा का हमारे सतगुरुदेव स्वामी जी के गले में डाल करके सम्मान करते हैं। मैं कन्हैया जी से अर्जी करूंगा, इस बच्चे के धर्म पर हाथ चलते रहें। और राजीव यादव जी, अच्छा राजीव यादव जी के पुत्र हैं, राजीव यादव जी के पुत्र हैं ये अध्ययन यादव जी, और साथ में फूलों के माला डाल करके भी सम्मान करते हैं। सतगुरु महाराज जी से अर्जी करूंगा, परम पिता है कन्हैया, रक्षा करें, रक्षा करें। हाँ। मेरे भाइयों, आज उन लफंगों ने तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांध दिया, लड़की आदि झुकी हैं, ऊपर से जालिम कोड़ा बरसा रहा, खून की पिचकारी छूटन लगी, कपड़ा फटफट के गिरने लगे, लड़कियां हाया दकरा रही, लेकिन न लज्जों को न दया है न हया।